सो गाइस, अगर आपका एक नया चैनल है और आपके अभी तक 4 घंटे कंप्लीट नहीं हुए हैं तो उनको कंप्लीट करने के लिए आपको चाहिए बहुत अच्छा खासा व्यूज। और व्यूज आपको तभी मिलेगा जब आपकी वीडियो रैंक करने लगेगी, लोगों के सामने आपकी वीडियो जाएगी, तभी आपको व्यूज मिलेगा। जब तक आपकी वीडियो लोगों के सामने नहीं जाती है, चाहे आपने कितना भी अच्छा थंबनेल बनाया हो, चाहे कितना भी अच्छा टॉपिक दिया हो, चाहे कोई भी आप कॉन्टेंट अपने चैनल पर अपलोड कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है। हमें सबसे ज़्यादा मेन फोकस इसी चीज़ पे करना है कि हम लोगों के सामने किस टाइप से अपनी वीडियो पहुंचा सकते हैं। और गाइस, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको व्यूज़ चाहिए तो आपको सबसे पहले अपनी वीडियो रैंकिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि बड़े क्रिएटर हैं, वो कोई सी भी वीडियो अपलोड कर दे अपने चैनल पर, उनकी वीडियो ऑटोमेटिक रैंक कर जाती है। लेकिन नए क्रिएटर की वीडियो रैंक नहीं करती, क्योंकि उनका सब्सक्राइबर बेस बहुत ज़्यादा कम होता है और किसी किसी को रैंकिंग नहीं आती है, किसी किसी को पता ही नहीं होता किस टाइप से वीडियो रैंक कराते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको एक ट्रैफिक सोर्स के बारे में बताने वाला हूँ, यूट्यूब सर्च। 3 ट्रैफिक सोर्स होते हैं जो मेन होते हैं, उन पे आपकी वीडियो जाती है तभी आपका व्यूज आता है। एक YouTube सर्च, एक ब्राउज फ्यूचर, एक YouTube सजेस्टेड फ्यूचर। अगर आपकी वीडियो यहाँ रैंक करने लगती है तो आपके व्यूज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे और आपका वॉच टाइम बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, आपका चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा और साथ में ग्रो भी हो जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं YouTube सर्च की। YouTube सर्च में बहुत सारे कीवर्ड होते हैं, यानी कि आप अपनी वीडियो में कौन सा कीवर्ड कहाँ लगाएंगे, कैसा टाइटल देंगे, कौन सा कीवर्ड आप डिस्क्रिप्शन में देंगे, कौन सा कीवर्ड आप टैग में देंगे, यानी कि सारा सब कुछ मैटर जो करता है वो कीवर्ड ऊपर करता है। क्योंकि बहुत सारे सर्च होते हैं, 1 मिनट में बहुत सारे सर्च किए जाते हैं YouTube पर। अगर आपकी वीडियो किसी अच्छे कीवर्ड पर रैंक करने लगी तो आपका वॉच टाइम एक ही वीडियो से कंप्लीट हो जाएगा, चाहे आप किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाए, चाहे नॉर्मल सा ही क्यों ना टॉपिक हो। क्योंकि YouTube पर बहुत सारे सर्चेस होते हैं जो कि 1 मिनट में होते हैं और आपकी वीडियो 1 मिनट में बहुत सारी वायरल हो सकती है, बहुत सारे व्यूज आ सकते हैं अगर एक बार वीडियो रैंक कर जाती है, चाहे वो ट्रेंडिंग टॉपिक हो, चाहे वो सर्चेबल टॉपिक हो, चाहे कोई वो नॉर्मल टॉपिक हो जो हमेशा सर्च किया जाता हो। क्योंकि YouTube एल्गोरिथम इसी तरीके से काम करता है, वो एक बार आपकी वीडियो रैंक करा देता है तो आपकी वीडियो 100% वायरल होना है। एक बार आपकी वीडियो रैंक कर जाए बस उस पर अच्छा खासा व्यूज आने लगे, और अगर उस पर व्यूज आएगा तो दूसरी वीडियो भी आपकी चलेगी, इसी प्रकार से आपका चैनल ग्रो हो जाता है। और इन चीजों में मैंने बहुत ज्यादा काम किया है, तो आज की इस वीडियो में आपको यही चीज बताने वाला हूं किस तरीके से आप अपनी वीडियो यूट्यूब सर्च में रैंक करा सकते हैं, किस तरीके से उसके ऊपर यूट्यूब काम करता है, यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है किस तरीके से उस पर वर्क करता है जो आप कीवर्ड देते हैं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, बहुत ही ज्यादा अच्छी होने वाली है, अच्छे से समझाऊंगा, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। एक एक स्टेप को आपको फॉलो करना है, कोई भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है। और अगर हमारे चैनल पे प्रमोशन में चल रहा है, मैं रोजाना काफी सारे चैनल प्रमोट करता हूं टेलीग्राम पे, आपको क्या करना है, आपको नीचे फर्स्ट कमेंट करना है और जो भी मैं चैनल दूं उनको जाके सपोर्ट करना, उनकी वीडियो पे कमेंट करना है। मैं वहाँ से भी कुछ लोगों का चैनल प्रमोट करता हूँ और नीचे अपने कमेंट सेक्शन में से भी बहुत सारे लोगों को मैं चैनल प्रमोट करता हूँ, तो नीचे आपको कमेंट जरूर करना है। और गाइस, हमारे टेलीग्राम ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, सचिन टैग वहाँ पर सर्च करेंगे आपको बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएंगे, जो भी आपकी कैटेगरी का हो उसको ज्वाइन कर लेना। अगर आपकी कैटेगरी में नहीं आता तो आप मेरा मेन ग्रुप सचिन टैग ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको बहुत अच्छे खासे सब्सक्राइबर मिल जाएंगे। तो गाइस, नीचे कमेंट जरूर करना। अब बात कर लेते हैं अपने वीडियो की। तो गाइस, ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन, आप अपने मोबाइल में कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, सारा सब कुछ वैसा ही सिस्टम होगा जो लैपटॉप में है, आसानी से कर सकते हैं। तो चलते अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, अच्छे तरीके से आपको मैं समझाता हूं। तो गाइस, मैं आ गया अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको करना क्या, आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउजर आप जैसे ओपन करेंगे, और मैं आपको दिखा देता हूं मेरा जो ट्रैफिक सोर्स है वो कहां से आता है। तो सिंपल, मैं यहां पर ट्रैफिक सोर्स पर आपको दिखा देता हूं, 7 दिन का यहां पर देखेंगे, लास्ट 7 दिन का ट्रैफिक सोर्स कितना है। YouTube सर्च का सबसे ज्यादा 46%, क्योंकि YouTube सर्च में मेरी वीडियो बहुत ज्यादा रैंक कर रही है, क्योंकि मैं कीवर्ड कुछ ऐसे दे रहा हूं जो मैं आपको बताने वाला हूं आगे वीडियो में। ब्राउज फ्यूचर में भी मैं रैंक कराता हूं, लेकिन मुझे जहां से फायदा होता है मैं वहीं पर वीडियो रैंक कराता हूं। 1 दिन हफ्ते में मेरा बदल जाता है ट्रैफिक सोर्स, तो यहां से मुझे काफी अच्छा खासा व्यूज मिल रहा है, तो मैं यहीं पर अपनी वीडियो रैंक करा रहा हूं। अब बात कर लेते हैं आपको करना क्या, आपको जो भी आप वीडियो अपलोड करें उसको प्राइवेट में पहले अपलोड करना, ना कि आप वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसके साथ साथ कीवर्ड देते जा रहे हैं, उसके साथ साथ सारा सब कुछ SEO करते जा रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। पहले वीडियो प्राइवेट में अपलोड हो जाए, पूरी कंप्लीट वीडियो अपलोड हो जाए और आपके सामने कुछ ऐसा एरिया दिखने लगे, फिर इसके बाद आपको जो मैं बता रहा हूं वो स्टेप फॉलो करना है। और ये सारा सब कुछ आपको कुछ टाइम पहले करना है, चाहे 1 या 2 घंटे पहले आप कर सकते हैं, या ज्यादा से ज्यादा टाइम देना है ताकि YouTube का एल्गोरिथम उसके ऊपर अच्छे तरीके से काम कर पाए। अब बात कर लेते हैं आपको करना क्या, यहां पर टाइटल का सेक्शन है, यहां पर डिस्क्रिप्शन आ गया, और नीचे आपको यहां पर टैग का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको करना क्या मैं आपको बता देता हूं, यहां पर आपको जाना है एक वेबसाइट पे, यहां पर keywordtool.io वेबसाइट है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहां पर दे सकते हैं keywordtool.io।
यहाँ पर क्या करना है, आपको एक YouTube का सेक्शन मिल जाएगा। तो YouTube का सेक्शन पे क्या करना है आपको, आपने जिस भी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई है, चाहे YouTube का टॉपिक हो, चाहे आपका कुकिंग का चैनल हो, चाहे आपका गेमिंग का चैनल हो, चाहे किसी भी कैटेगरी का आपका चैनल हो, अगर आप किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाते हैं तो यहाँ पर सिंपल क्या करना है, सर्च कर देना। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हाउ टू मेक थंबनेल, हाउ टू मेक यहाँ पर थंबनेल लिखूंगा तो यहाँ पर कुछ कीवर्ड यहाँ पर आ जाएंगे, हाउ टू मेक थंबनेल, तो यहाँ पर थंबनेल लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने इतना लिख दिया और यहाँ पर मैं सिंपल सर्च कर दूंगा। और यहाँ पर एक बार जरूर ध्यान रखना है, यहाँ पर इंडिया और इंग्लिश जरूर सिलेक्ट कर लेना। और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे कीवर्ड यहाँ पर आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आप देखेंगे सबसे ऊपर जो कीवर्ड है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट कीवर्ड है, इसको बनाना है हमें टाइटल। तो यहाँ पर मैं सिंपल इसको कॉपी कर लेता हूँ, आप यहाँ पर सिलेक्ट करके अपने मोबाइल में कॉपी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कॉपी एंड एक्सपोर्ट का, तो यहाँ पर क्लिक करके आप जितने भी सिलेक्ट करेंगे वो सारे आपके कीवर्ड सिलेक्ट हो जाएंगे और कॉपी हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं एक सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको मैं टाइटल में पेस्ट कर देता हूँ। टाइटल में सिंपल पेस्ट कर दिया। अगर आपका कोई हिंदी का टॉपिक है या आप हिंदी के कीवर्ड के ऊपर वीडियो रैंक कराना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक हिंदी का कीवर्ड जरूर देना है, जैसे हाउ टू मेक थंबनेल हो गया फॉर यूट्यूब या ऑन यूट्यूब, यानी किसी प्रकार से आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं थंबनेल कैसे बनाए, यूट्यूब के लिए थंबनेल कैसे बनाए और यूट्यूब वीडियो के लिए थंबनेल कैसे बनाए, ऐसे भी आप दे सकते हैं। जो भी बंदा सर्च करे, पहले मेन कीवर्ड आपको इंग्लिश में ही देना है क्योंकि इंग्लिश में ज्यादा लोग सर्च कर सकते हैं और मैं भी सर्च करता हूं इंग्लिश में। अब इसके बाद बात कर लेते हैं आपको करना क्या है, इतना आपने कर दिया, अब मैं आपको बता देता हूं यहां पर 5 या 6 कीवर्ड आपको इतने लिखने हैं, यानी कि यहां पर देख लेना कीवर्ड थोड़े से आपको सर्च कर लेना है। यहां पर मैंने पहला यूट्यूब के लिए देख लिया, अब मैं नीचे देखूंगा कि कीवर्ड कौन से अच्छे कीवर्ड है यहां पर। तो यहां पर एंड्रॉइड हो गया और यहां पर देखूंगा कितने अच्छे अच्छे कीवर्ड, यहां पर बैकग्राउंड हो गया और पिक्सल हो गया, काइन मास्टर हो गया, यानी कि आपका जो टॉपिक है, आप जिस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बनाते हैं उस टॉपिक के कीवर्ड यहाँ पर ले लेने हैं। तो यहाँ पर एडिट हो गया, इजी हो गया, ये कीवर्ड यहाँ पर सर्च किए जाते हैं। और फॉर यूट्यूब हो गया, फॉर यूट्यूब वीडियो हो गया, तो यहाँ पर मैंने कुछ कीवर्ड यहाँ पर देखेंगे हिंदी हो गया। तो यहाँ पर 6 से 7 कीवर्ड आपको इसी तरीके से करने हैं। और यहाँ पर क्या करना है, आपको कॉपी कर लेना है, सारे कीवर्ड आपको कॉपी कर लेना है। मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया और सिंपल जाना है आपको सबसे ऊपर, आप जो टाइटल देते हैं उसके नीचे यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। इस हिसाब से आपको पेस्ट कर देना। और आपको मैं बता देता हूँ, आपको जो टाइटल है वो यहाँ पर पेस्ट नहीं करना है क्योंकि आपको वीडियो रैंक करानी है, वीडियो रैंक करानी है। और इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, यही जो कीवर्ड है यहाँ पर टैग के ऑप्शन में यहाँ पर पेस्ट कर देना है। टैग के ऑप्शन में आप पेस्ट करेंगे तो ये कीवर्ड यहाँ पर आ जाएंगे। सिंपल आपको इतना करना है। इसके बाद आप जो भी कुछ देना चाहें अपने वीडियो में दे सकते हैं। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो आ जाती है, ये कीवर्ड होते हैं, इन्हीं से आपकी वीडियो जो होगी वो सर्च में जाएगी। और इसके बाद आपको करना क्या, मैं आपको बता देता हूं। यहां पर सिंपल क्या करेंगे आपको, तो यहां पर आपको एक हैशटैग का ऑप्शन मिल जाएगा। हैशटैग पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो का ये हैशटैग दे देगा जिस टॉपिक पे आपने वीडियो बनाई है। तो सबसे ऊपर जो आपका हैशटैग आए उसको यहां पर कॉपी कर लेना। तो यहां पर लिखा आ गया हाउ टू मेक थंबनेल ऑन एंड्रॉइड, सबसे ज्यादा बेस्ट यहां पर आ गया जो हमारा हैशटैग है, सबसे ज्यादा बेस्ट एक हैशटैग हमें यही यूज करना है। सिंपल मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। कॉपी करके आपको करना क्या है, आपको यहां पर नीचे यहां पर लगा देना है। मैं आपको दिखा देता हूं किस टाइप से आपको लगाना है, उसी टाइप से आपको यहां पर नीचे लगा देना। तो यहां पर मैं पेस्ट कर देता हूं। और इसके बाद आपको यहां पर सबसे पहले आपको अपने चैनल का नाम यहां पर देना है। हैशटैग लगा के अपने चैनल का नाम देंगे तो आपकी वीडियो बहुत अच्छी तरीके से रैंक करेगी और आपका चैनल की वैल्यू बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो यहां पर मैं हैशटैग लगा के अपने चैनल का नाम दे देता हूं। इसी प्रकार से आपको देना है। तो यहां पर मैं सचिन टैग लिख देता हूं, आपका चैनल का जो भी नाम हो उसको आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहां पर सचिन टैग लिख दिया। इसके बाद आपने ये पूरा कीवर्ड यहां पर दे दिया जो हैशटैग है, इसके बाद एक हैशटैग और दे सकते हैं अपनी वीडियो का। और यहाँ पर क्या करना है, और भी नीचे आप सोशल मीडिया के अकाउंट दे सकते हैं, कोई वेबसाइट लिंक दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको इतना करना है। इतना करने पर आपने अगर टाइटल में अगर कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो और ऐड कर सकते हैं, चाहे अपना नाम ऐड कर सकते हैं। और आपको मैं बता देता हूँ, टाइटल में ज़्यादा लंबा चौड़ा कुछ नहीं लिखना है। और आप ही बताओ, अगर आप कोई टॉपिक सर्च करोगे तो हाउ टू मेक थंबनेल, थंबनेल कैसे बनाए या इन हिंदी 2020, इतना ज़्यादा लंबा नहीं करोगे, पूरा टाइटल नहीं लिखोगे, सिंपल एक कीवर्ड लिखोगे हाउ टू मेक थंबनेल ऑन यूट्यूब या फॉर यूट्यूब या फॉर यूट्यूब वीडियो, इतना आप लिखोगे आपकी वीडियो उतने में ही आ जाएगी। बस आपको इतना करना और यहां पर आपको सेव कर देना है। सेव करने पर क्या करना है, इसके बाद आपको यहां पर शेड्यूल पे लगा सकते हैं या आपका जब टाइम हो वीडियो पब्लिक करने का तब आप पब्लिक करना, इतना सारा सब कुछ करने के बाद। और गाइस यहां पर बहुत सारे कीवर्ड आपको मिल जाएंगे, जो कीवर्ड आपकी कैटेगरी का हो, बहुत सारे यहां पर कीवर्ड मिलेंगे, बहुत सारी चीजें आपको यहां पर मिलेंगी। आप यहां पर यानी कि फिल्टर कर लेना, अपने हिसाब से फिल्टर कर लेना कि भाई मुझे कौन सा कीवर्ड कहां लगाना है, मेरी वीडियो का कौन सा कीवर्ड है, आप इतना कर सकते हैं।
ये देख लेना कि किसी और बंदे का कीवर्ड ना हो, किसी और बंदे का नाम हो, फिर आपकी वीडियो रैंक नहीं करेगी। अगर किसी और बंदे का नाम आता है, सिंपल कीवर्ड हो जो हमेशा सर्च किया जाता हो, जैसे बाय पिक्सल लैब हो गया, हाउ टू मेक थंबनेल बाय पिक्सल लैब, यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार के जो कीवर्ड होते हैं वो सर्च किए जाते हैं आपकी वीडियो से रिलेटेड। बस आपको इतना ही करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको वीडियो थोड़ी देर के लिए प्राइवेट रखना है, फिर आपको पब्लिक कर देना है, चाहे 4-5 घंटे बाद करें, चाहे शेड्यूल पर लगा ले, जो टाइम आपका पब्लिक करने का हो। और गाइस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपको वीडियो कैसी लगी वो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए वो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और कल आपको जो वीडियो मिलेगी मैं यूट्यूब ब्राउज फ्यूचर का बताऊंगा किस तरीके से वीडियो आप ब्राउज फ्यूचर में ला सकते हैं। और आपको एक बात और बता देता हूँ कि भाई देखो, अगर आप यूट्यूब सर्च के ऊपर ज़्यादा काम करते हैं तो आपका ब्राउज फ्यूचर कम हो जाएगा, यानी कि ये तो नॉर्मल बात है कि भाई एक सोर्स के ऊपर काम करेंगे तो एक सोर्स कम हो जाएगा, लेकिन आपको देखना ये है कि आपके व्यूज किससे ज्यादा आते हैं, चाहे YouTube सर्च हो गया, चाहे YouTube ब्राउज फीचर हो गया, चाहे YouTube सजेशन हो गया, यानी कि किस चीज़ से आपके व्यूज ज़्यादा होते हैं उसी पे आपको काम करना है अच्छे तरीके से। YouTube सर्च से आते हैं तो YouTube सर्च के ऊपर सिंपल काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके किसी और चीज़ पे आते हैं तो उस पे आप काम कर सकते हैं। तो आई होप गाइस ये सारी बातें आपके समझ में आ गई होंगी, कुछ समझ में ना आया हो तो नीचे कमेंट जरूर करना, मैं अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ नया सिखाने वाला हूँ आप लोगों के लिए, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।